स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होती है, लाइक माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन, किस कौन से फूड की डाइजेशन कहाँ होती है, कैसे होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमने पढ़ा था माउथ जो पहला स्ट्रक्चर है या स्टार्टिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की। माउथ में क्या मिलता है, सबसे पहले सलाइवा, और सलाइवा कौन रिलीज करता है, एक ग्लैंड है जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट इज पैरोटिड, ठीक है, जो आपके ईयर्स के नीचे प्रेजेंट है। सब लिंगुअल, जो लिंगुअल मीन्स टंग, तो बिलो टंग, टंग के नीचे है, ठीक है, सब लिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर लोअर जॉ को बोलते हैं, तो लोअर जॉ के नीचे प्रेजेंट है। तो टू पेयर्स हैं, मतलब पेयर हैं इन सबके, तो सिक्स है टोटल के। ये रिलीज करते हैं सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है जो किसे डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। ये स्टार्च की डाइजेशन करता है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज को एक और हम टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम टाइलिन भी बोलते हैं। तो स्टार्च की डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होते हैं, मतलब जब आपने कोई स्टार्ची फूड खाया है तो उसकी डाइजेशन कहाँ से, माउथ से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन होती है, 30% फूड के डाइजेशन, स्टार्ची फूड की डाइजेशन माउथ में हो जाती है, बिकॉज फूड बहुत देर तक माउथ में नहीं रहता है। तो इसको जो स्टार्च है सलाइवरी अमाइलेज उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में, ठीक है। माल्टोज माल्ट शुगर है, थोड़ी मीठी होती है, इसी की वजह से जब हम चपाती को खाते हैं थोड़ी देर बाद वो हमें मीठी लगने लग जाती है। सो क्योंकि जो चपाती है स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। कौन कन्वर्ट कर रहा है इसको, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा रिलीज कर रहा है जिसमें एक एंजाइम है। अब व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा, कुछ रोल है, कुछ फंक्शन है सलाइवा के हमारे माउथ में, क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, और भी इसका रोल है, ठीक है। ये क्या करता है, पीएच लेवल 6.8 होता है इसका पीएच, ठीक है, पीएच 6.8 है जहाँ पे इसका एंजाइम एफिशिएंटली काम करता है। दूसरा, ये फूड की मिक्सिंग करता है, अच्छे से फूड की मिक्सिंग करता है, सो दैट वी कैन इजीली स्वेलो द फूड, हम फूड को अच्छे से स्वेलो कर सके, निकल सके फूड को। तो सलाइवरी अमाइलेज उसको फूड को डाइजेस्ट भी कर रहा है और सलाइवा मिक्सिंग कर रहा है, बोलस बना रहा है फूड का, सो दैट इजी स्वेलिंग हो जाए। फूड यहाँ से मूव करता है कहाँ पे, एसोफेगस में। एसोफेगस में किसी तरह की कोई डाइजेशन नहीं होती, जस्ट एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से स्टमक तक फूड को लेके जा रही है। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे डाइजेशन होती है, दैट इज स्टमक। स्टमक एक मैंने बताया था जे शेप एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो फूड को स्टोर करता है, मैकेनिकल चनिंग करता है। अब स्टमक रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इसमें तीन मेन चीजें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज एचसीएल, सेकेंड इज म्यूकस, थर्ड इज एंजाइम्स। एंजाइम्स ये प्रो एंजाइम फॉर्म में होती है, यानी इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। सबसे पहले तो जो एचसीएल है, ठीक है, एचसीएल का क्या रोल है, अभी माउथ में जो पीएच था वो 6.8 था, ठीक है, लेकिन जो स्टमक के एंजाइम है वो इस मीडियम में, यानी 6.8 जो इस मीडियम में पीएच पे काम नहीं कर सकते, उनको पीएच हाईली एसिडिक चाहिए, ठीक है। तो एचसीएल क्या करता है, पीएच डाउन करता है, ये 1.5 से लेके 3.5 तक, हम मोस्टली 2.8 आसपास ये पीएच लेवल डाउन करता है। जब पीएच लेवल डाउन होता है तो फिर जो एंजाइम्स हैं स्टमक के एंजाइम है वो अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एचसीएल का एक और रोल है, ये प्रो एंजाइम होता है, प्रो एंजाइम यानी इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम है स्टमक में, उन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब कौन से एंजाइम है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है, दैट इज पेप्सिनोजिन, ठीक है, पेप्सिनोजिन ये प्रोटीन डाइजेस्ट
करने के लिए एंजाइम है लेकिन ये इनएक्टिव है। इसको HCl क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिन में। ठीक है, प्रोरेनिन भी एक एंजाइम होता है जो बच्चों में पाया जाता है, बच्चों के स्टमक में। प्रोरेनिन इसको कन्वर्ट करता है रेनिन में। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम के जो HCl एक्टिवेट करता है। अब जो एंजाइम है, ठीक है, और एंजाइम पेप्सिन है, पेप्सिन वर्क करता है प्रोटीन्स में, यानी जो फूड प्रोटीन रिच फूड लिया है हमने, जो प्रोटीन्स है फूड में, प्रोटीन्स को, ठीक है, वर्क करता है पेप्सिन और कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड्स में। यानी प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टमक से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसका जो एंजाइम है पेप्सिन पेप्सिनोजिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है, HCl उसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन में। दूसरा जो है दैट इज लाइपेज एंजाइम होता है जो लिपिड्स पे काम करता है, यानी फैटी फूड जो फैट्स फूड में होती है उसको डाइजेस्ट करता है लाइपेज और कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्योंकि स्टमक में जब HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये अपनी ही वॉल को, यानी स्टमक की वॉल को इरोड कर सकता है, तो प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ चाहिए। तो म्यूकस क्या करती है, म्यूकस प्रोटेक्ट करती है, एक स्लाइमी सी लेयर है जो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है। कई बार स्टमक के सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है जिसको हम एसिडिटी बोल देते हैं, तो हार्ट बर्न्स होने लगते हैं। ठीक है, HCl का लेवल डाउन होता है, सॉरी ज्यादा हो जाता है तो हार्ट बर्न्स होने लगते हैं, तो एसिडिटी जिसको हम कहते हैं कॉमनली एसिडिटी। फिर हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड में बेस होता है, एल्कलाइन होता है, और एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं और एसिडिटी रिलीव हो जाती है। ठीक है, तो स्टमक में एंजाइम होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, HCl एक्टिवेट कर रहा है, देन लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम लाइपेज जो लिपिड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। छोटे बच्चों में, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं बच्चे, ठीक है, उनमें रेनिन एंजाइम होता है। रेनिन जो होता है ये मिल्क शुगर पे काम करता है, मिल्क शुगर या मिल्क प्रोटीन बोल देते हैं जो रेनिन है। ठीक है, ये मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है, कैसीन, इसको कन्वर्ट करता है ये पैरा कैसीन में। तो ये छोटे बच्चों में होता है रेनिन। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं रेनिन हमारे जो स्टमक है वहां से खत्म होता जाता है, इसलिए जब बड़े हो जाते हैं कुछ लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि रेनिन उनके स्टमक में नहीं है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है और ड्यूओडेनम वो पार्ट है जहाँ पे दो मेन ग्लैंड्स ओपन होते हैं, ग्लैंड्स अपनी सेक्रेशन देते हैं। पहला ग्लैंड जो है दैट इज लीवर, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये रिलीज करता है। इसकी जो सेक्रीशन है वो येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जिसको बाइल बोलते हैं। ठीक है, बाइल। अब लीवर और बाइल के क्या फंक्शन है, यहाँ पे किसी तरह के फूड डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर लीवर फिर भी जरूरी है। पहले मैं आपको लीवर के फंक्शन बता देती हूँ। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी अगर कोई मेडिसिन ली है, कोई टॉक्सिक हमारी बॉडी में चला गया है, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा, लीवर करेगा। दूसरा ये क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स लीवर सिंथेसाइज करता है, ब्लड प्रोटीन्स होती है जो लीवर सिंथेसाइज करता है। और एक तो ये बाइल रिलीज कर रहा है, बाइल के फंक्शन हमें भी करते हैं, और साथ में जो लीवर है इसी की सिक्रीशन, इसी के कुछ पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से बाइल को कलर मिलता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे जो फूड है उसको कलर मिलता है, और ये हमारे वेस्ट मटेरियल को भी कलर प्रोवाइड करता है, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और कई बार लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाए जैसे जॉन्डिस वगैरह, तो इन जो पिगमेंट्स है इनकी सिक्रीशन हाइपर हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो हमारे स्किन पे, आइज में, नेल्स पे नजर आने लगता है येलो कलर। ठीक है, और लीवर अमोनिया बनाता है, कॉरिन साइकिल चलता है, अमोनिया बनाता है जो कि फिर किडनीज उसको रिमूव करेंगी, लेकिन बनता कहाँ पे, लीवर में बनता है।
लीवर और क्या करता है, लीवर आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं लीवर में आके, ठीक है, आरबीसीज यहाँ पे खत्म होते हैं, आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है 120 डेज है, लीवर में आके वो रिमूव होते हैं, खत्म होते हैं। तो लीवर के कुछ फंक्शन है, लीवर शुगर लेवल भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब बाइल, बाइल लीवर के सिक्रीशन को बाइल बोलते हैं। बाइल जो है येलोश कलर का फ्लूड है, इसमें मेन चीजें हैं पिगमेंट्स, दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, कौन से, बिलीवर्टिन एंड बिलीरुबिन, ठीक है। ये येलो कलर के पिगमेंट हैं जिसकी वजह से लीवर बाइल को उसका कलर प्रोवाइड मिलता है, और कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉल्ट है सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉकोलेट, ये इसमें सॉल्ट प्रोवाइड होते हैं बाइल में। और बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स की, और फैट का मॉलिक्यूल इतना बड़ा है, ठीक है, ये फैट का मॉलिक्यूल है, लेकिन फैट के जो एंजाइम है लाइपेज वो इतने बड़े मॉलिक्यूल पे काम नहीं कर सकते हैं, इट हैज टू बी कन्वर्टेड या इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। तो बाइल क्या करता है, इसे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स के इमल्सिफिकेशन करता है। अब बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे लीवर के सिक्रीशन बाइल स्टोर होते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्लैंड जो है दैट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, हमारे लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास के सिक्रीशन को पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, ठीक है, पैनक्रियास, इसके सिक्रीशन को पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, और प्रेजेंट होता है बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, और कुछ इसमें ये हार्मोन्स, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का वो हार्मोन्स भी रिलीज करता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट आयंस की। जो बाइकार्बोनेट आयन है ये क्या करते हैं, पीएच 7.4 तक एल्कलाइन मीडियम तक लेके जाते हैं, क्योंकि पैनक्रियास के एंजाइम और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम एसिडिक मीडियम पे काम नहीं करते। स्टमक में जो मीडियम था वो एसिडिक था, ठीक है, 1.5 से 3.5 तक, लेकिन पैनक्रियास के और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम पे काम नहीं करेंगे, उनको मीडियम एल्कलाइन चाहिए, जो कि पैनक्रियास का बाइकार्बोनेट आयन मीडियम एल्कलाइन करते हैं, ठीक है। फिर एंजाइम काम करते हैं वहाँ पे, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं मेनली, इसमें थ्री एंजाइम है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, पहला एंजाइम ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है, तीन एंजाइम होते हैं। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स किसमें कन्वर्ट होते थे, डाइपेप्टाइड्स में, पीछे हमने लिखा, यहाँ पे भी जो प्रोटीन्स है क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई थी तो प्रोटीन्स डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। फैट्स जो है इसको ट्रिप्सिन काम करता है, यहां पे लाइपेज एंजाइम काम करता है, और फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। फिर पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम करता है स्टार्च में, स्टार्च पे काम करता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज किसकी डाइजेशन करता था, जैसे माउथ में जो डाइजेशन स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे अगेन इसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एंजाइम्स हैं पैनक्रियास के जो अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है, पार्शियल डाइजेशन अभी चल रही है, डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे आके ये होते हैं। फिर आता है हार्मोन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट भी है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ये हार्मोन रिलीज करते हैं कुछ, एक है इंसुलिन एंड दूसरा है ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सब्सटेंस दैट इज ग्लूकोज, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है एनर्जी की वो ग्लूकोज कवर ओवरकम कर देता है। जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज
कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, कौन कन्वर्ट करता है इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज का कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। जब हमें एनर्जी की जरूरत, एनर्जी की फॉर्म में ग्लाइकोजन में, तो हमारा रिजर्व फूड क्या है, ग्लाइकोजन। कौन बना रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, इंसुलिन उसको कन्वर्ट करता है। कभी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत हो, बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं, एनर्जी की जरूरत हो, तो यही ग्लाइकोजन अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और कौन करता है इसको, ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन है जो काम करते हैं, जो पैंक्रियाज रिलीज करता है। पैंक्रियाज के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है, क्योंकि 6 to 7 meter लॉन्ग ये ट्यूब है जहाँ पे फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। फूड सिंपल सब्सटेंसेस में, एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में, वाटर में जो डिजॉल्व हो सकते हैं सिंपल सब्सटेंस, उसमें कन्वर्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट किए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और ईलियम। 3 पार्ट थे, यहाँ पे लीवर और पैंक्रियास की सेक्रीशन हो रही थी। जेजुनम में कंप्लीट डाइजेशन होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी तरह के एंजाइम प्रेजेंट है हर तरह के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अब क्या क्या है, अब जैसे डाइपेप्टाइड्स जो थे, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गई थी डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डाइपेप्टाइड्स, कन्वर्ट होते हैं पेप्टाइडेसिस, कन्वर्ट करते हैं इसे, किसमें कन्वर्ट करते हैं इसको, कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन्स की। अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं, यानी प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन हो गई है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर हम ये जो माल्टोज था, माल्टोज, अब यहाँ पे माल्टेज एंजाइम होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज प्लस 2 यूनिट होती है ग्लूकोज की, जो माल्टोज बनाते हैं। उसके बाद सुक्रोज, जो हमारी टेबल शुगर की होती है, सुक्रेज एंजाइम होता है और उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, कंप्लीट डाइजेशन होगी। नेक्स्ट है सुक्रोज के बाद लैक्टोज, ये मिल्क शुगर है जो मिल्क में होती है, लैक्टेज एंजाइम है और कन्वर्ट कर देता है इसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ये सारे सिंपल सब्सटेंस हैं, यानी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चीजें हैं। अब फैटी एसिड थे, लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड थे, इनको लोग बिल्कुल स्मॉलेस्ट, सॉरी फैट्स थे जो, उनको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में, ठीक है। ये भी सिंपल सब्सटेंस है लाइक लिपिड्स का। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गई है। अब यहाँ से फूड जो है वो जेजुनम ईलियम के थ्रू पहुँचता हुआ, जेजुनम के सराउंडिंग में ब्लड नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको विलाए और माइक्रो विलाए कहते हैं। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ से फूड जो डाइजेस्टेड है सिंपल फॉर्म में, जो कन्वर्ट हो गया है फूड, यहाँ से कहाँ मूव करता है, वो ब्लड में जाता है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ तक डाइजेशन हुई, डाइजेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो थी वो एब्जॉर्प्शन, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है, सिंपल सब्सटेंसेस है जो फूड के, वो कहाँ मूव कर गए, ब्लड में। फिर ब्लड उसको कैरी करता है, हर एक सेल तक लेके जाता है, हर एक सेल की फूड को लेता है, ठीक है। अब जो फूड का कुछ वेस्ट मटेरियल रह जाता है या अनडाइजेस्टेड कुछ पार्ट रह जाता है, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, ईलियम उसको मूव कर देता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, कुछ म्यूकस रिलीज होती है, और वो वेस्ट मटेरियल सीकम से, कोलन से होता हुआ रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है, और रेक्टम के थ्रू वो एनस उसे बाहर निकाल देते हैं, दैट इज नोन एज इजेशन। तो कंप्लीट फूड की डाइजेशन हो गई, ठीक है। तो आज के लिए यही तक, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।